सही मैम, अभी जैसा कि आपने बहुत मेहनत की, कैसे कैसे देखती हैं मैम जो रिजल्ट आया मैम, हाउ डू यू सी दिस मैम? बहुत बहुत ज्यादा निराशा हुई है। आप सब वर्कर्स को देखिए, इतने समय से ये लगे हुए थे, ऐसे समय में जब कोई खड़ा होता नहीं नजर आता था, राहुल जी का संदेश लेकर हम गांव गांव ठंड में, कड़ाके की ठंड में, कड़कती धूप में, सब जगह हमारे वर्कर फैले, एक संदेश लेकर गए, मेहनत की जमीन पर। लेकिन आज जब ऐसा नतीजा आता है, इनकी मेहनत पर, इनके पसीने पर, इनके खून पर पानी फिरा है, ये इस चीज को पार्टी को देखना पड़ेगा। मैम जो भी एग्जिट पोल आपकी जीत दिखा रहे थे हरियाणा में, आज चुनाव परिणाम कम्प्लीट आए हैं, बीजेपी हाफ सेंचुरी लगा चुकी है, कांग्रेस की हार देखी जा रही है। निराशाजनक है नतीजे, हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं, क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है, आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब, निराशाजनक बात है ये। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा, कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं, जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, खत्म कर दिया, इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। मैम आप जो कह रहे हैं कि तालमेल की कहाँ कमी रही या एक माहौल जो था वो सक्सेसफुल नहीं रिजल्ट ला पाया, तो आप इस चीज को आप मानते हैं, शुरुआती मंथन कह लें, आप मानते हैं कि तालमेल की कमी रही और ये वजह है, बड़ी वजह है? देखिए ये हमने पहले से कहा था, आप जानते हैं कि मीडिया के सामने ये बातें पहले हुई थी, चुनाव के समय जरूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीजें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन जिस तरह से उसके एज ए रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं, आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूजर हैं, तो इस चीज को छोड़ें, लेकिन आगे के लिए पार्टी को कैसे हम मजबूत करें और हमारे वर्कर जो इतनी मेहनत कर करके 10 साल बाद आज उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी पूछ होगी और ऐसी सरकार से निजात मिलेगा, आज उनकी सारी उम्मीदों पर जो पानी फिरा है उसके लिए बहुत दुख होता है, निराशा होती है, पर हमारा वर्कर निराश हुआ है, हताश नहीं हुआ, आगे के लिए हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को फिर से फिक्स करने की बात की, और क्या लगता है कि ये हाई कमांड अब देखेगा, क्योंकि हाई कमांड को ये देखना चाहिए कि क्या हुआ, और आई एम श्योर कि हाई कमांड हर पहलू में जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है, किसकी कहां क्या कमी रही और क्यों ऐसा नतीजा आया।